अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वेलकम है मेरे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब जैसे आना चाहते हैं या सऊदी अरब में रह रहे हैं तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे ताकि पूरी जानकारी मिल सके। जैसे आप अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर में आना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर का मतलब होता है जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, हाउस बॉय हो गया, या जो घर में खदामा काम करती हैं औरतें घर के लिए, तो उनका काम हो गया, तो ये सब कैटेगरी आता है। तो सऊदी हुकूमत ने इस वक्त बहुत ही अच्छा निज़ाम बनाया है हाउस ड्राइवरी को लेकर, क्योंकि देखिए कंपनी के ड्राइवर जो रहते हैं या कंपनी में जो वर्कर काम कर कंपनी में जो वर्कर गैर मुल्की काम करते हैं या कोई भी काम करता है, तो उनके लिए जो है कोई ना कोई अपडेट लाती रहती है सऊदी हुकूमत, उनके हिफाजत को लेकर, उनके काम को लेकर कोई ना कोई अपडेट हमेशा लाती रहती है। पर इस वक्त भाई सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक निज़ाम बना दिया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो डोमेस्टिक वर्कर को लेकर आया है भाई, मैं बता रहा हूँ। और इस फैसले से, इस रूल रेगुलेशन से भाई पूरे सऊदी अरब में जो हाउस ड्राइवर हैं या खदामा हैं, जो हाउस मेड हैं या हाउस बॉय हैं, जो भी घरेलू कैटेगरी में जो काम करते हैं, उनका भाई दिल खुश कर दिया है, एकदम दिल खुश कर दिया। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि और जो भाई आने वाले हैं और यहाँ पर जो भाई रह रहे हैं वो अपने हक़ को समझें, अपने हुकूक को समझें कि हमारा डोमेस्टिक वर्कर में, हमारा डोमेस्टिक जो काम कर रहे हैं घर में, जो हम काम कर रहे हैं, हमारा उसमें कितना अधिकार है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। वैसे नियम कानून तो भाई बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा, बहुत लंबा लिस्ट है, पूरा बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा और पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा। फिर भी छोटी मोटी जो जानकारियाँ हैं, जो अहम है, वो आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ ये कानून बन गया है कि पहले जो 18 साल के रहते थे वो भी आ जाते थे काम करने, 18 साल के ऊपर के लिया जाता था घरेलू वर्कर में काम करने के लिए। अभी 21 साल के ऊपर का लिया जाएगा। इसी 21 साल तक आपकी एज है, 21 साल तक आपकी उम्र है, तो आप डोमेस्टिक वर्कर में काम कर सकते हैं। पहला ये है। दूसरा ये है, डोमेस्टिक वर्कर को रेस्ट दिया जाना ज़रूरी है, 10 घंटा काम करना है उसमें, और 10 घंटे के अंदर जो है उसको खाने का टाइमिंग, नहाने धोने का टाइमिंग, आराम करने का टाइमिंग, ये सब भी दिया जाना ज़रूरी है। ह्यूमन आर रिसर्च सोशल डेवलपमेंट ने पूरा डिटेल बताया हुआ है कि यहाँ का रूल रेगुलेशन डोमेस्टिक वर्कर के बारे में पूरा डिटेल बताया है। पहले क्या था कि जब फोन आ जाए भाई, हाउस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ या हाउस बॉय की बात कर रहा हूँ, जब भी फ़ोन आ जाए उनको सारा काम छोड़ करके पहले उनके काम के लिए जाना है। जैसे अगर वो खा रहे हैं तो खाना छोड़ कर जाना है, नहा रहे हैं तो आधा नहा कर जाना पड़े, कोई भी काम कर रहे हैं आपको छोड़ के जाना पड़ता था और उनका पहले काम करना पड़ता था। तो अभी इस तरीके का नियम हो गया है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो अपना पहले खाना खाएं, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप नहा रहे हैं तो भी उसके लिए आप टाइम दिया जाएगा। मतलब जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें आप जो फ्री टाइम, जो भी वक्त मिलेगा उसमें आप अपना काम कर लें, तो ये जो है बहुत अच्छा नियम। और एक चीज़ है कि यहाँ पर 24 घंटा काम करना पड़ता था भाई, कोई ऐसा दिन ना रहे कि छुट्टी ना मिलता हो। हाउस ड्राइवर हो, हाउस बॉय हो, हाउस मेड हो, इनको कोई छुट्टी नहीं। तो अभी निज़ाम बन गया है कि हफ्ते में एक दिन जो है इनको छुट्टी मिलना लाजिम है, हफ्ते में एक दिन इनको छुट्टी लाजिम है, इनको छुट्टी देना ज़रूरी है। ये भी हुकूमत का फैसला आ गया है। और जो आपका इंडिया से आते समय जो एग्रीमेंट बना हुआ है कि आप ड्राइवरी करेंगे तो सिर्फ भाई आप ड्राइवरिंग ही करें और कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी फैसला एक बहुत ही अच्छा है कि आप ड्राइवरिंग करने आए हैं तो और दूसरा काम ना करें, सिर्फ आप ड्राइवरिंग का काम करें और कोई काम दूसरा ना करें। बहुत सारे जो लोग रहते हैं कूड़ा भी फेंकवाते हैं, उसके बाद और भी काम करवाते हैं, घर की धुलाई करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, पेड़ दरख्त वगैरह लगा है तो उसमें पानी भी डलवाते हैं, तो ये सब भी काम हाउस ड्राइवर को करना पड़ता था, तो इससे एक राहत मिल गई। और एक फैसला सुनाया है, जो लोग नए आते हैं तो उनके पास, जैसे आप इंडिया से सऊदी अरब आ गए तो 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है, यानी 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है। इस ट्रायल पीरियड में आपका इकामा बनेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बने। अगर आपका इकामा नहीं बना है और आप
को जो है उस कपिल के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं जम रहा है, तो आप मना कर सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम इंडिया जाएंगे, और उसी जगह आपका कपिल, आपका बॉस जो है वो आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपके काम से संतुष्ट नहीं है, उसको नहीं अच्छा लग रहा, आपका काम नहीं जम रहा है, तो वो भी जो है आपको भेज सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले था कि आपको हर हालत में काम करना पड़ता था, रुकना पड़ता था, और कपिल जो है बोलता था कि अगर आप बोलते थे कि मुझे घर जाना है, नहीं दिल लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जिनका दिल नहीं लगता है, लगभग तो मैं जानता हूँ कि 99% जो लोग आते हैं नए नए, उनका जो है दिल बिल्कुल नहीं लगता है, 3 महीना बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनको यही होता है कि हम चाहेंगे घर और कुछ नहीं करेंगे, हमारा इंडिया अच्छा है, हमारा ये देश अच्छा है, वो देश, जो जो भी देश से जो आते हैं उनको यही अच्छा लगता है कि भाई हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कपिल को इस बात की पता चलती थी कि अगर ये बंदा नहीं रहने वाला है तो वो डिमांड रखता था कि हमारा जो खर्चा हुआ है 3,000 रियाल 4,000 रियाल तो वो हमें वापस कर दो, हमारा पैसा जो है इंडिया से मंगा दो, उसके बाद अपना टिकट करा लो फिर चले जाओ। तो ये सब जो है डराते थे, धमकाते थे, तो अभी जो है ये सब कानून हट गया है। अभी जो है आपका अगर नहीं जम रहा है तो आप 90 दिन के अंदर ट्रायल पीरियड में आप बता सकते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तो वो आपको उसको लाजिम भेजना ज़रूरी है, आपको भेज देगा, भेज सकता है। इसमें आपका नुकसान है भाई, क्योंकि जो है आप इतना पैसा लगा कर आओगे और 1-1.5 महीने में वापस चले जाओगे, तो जो पैसा लगा कर आओगे वो ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे भाई जो है अपना पैसा जो है बहुत सारे भाई अपना यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करके आते हैं, किसी से कर्जा लेके आते हैं, कोई खेत गिरवी रख के आता है, तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है, तो बहुत तकलीफ़ से पैसा लगा कर आते हैं भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत सब्र करो और जो है अपने आप को कंट्रोल करो, जैसा पड़ता है वैसे गुजार कर, थोड़ा बहुत पैसा आप कमा कर जो है फिर आप जाएँ, जो पैसा आप लगा कर आए हैं वो पैसा कम से कम निकाल कर फिर जाएँ। इतने दिन तक आपको अपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, रख लीजिएगा तो आपका सही होगा, आप जो पैसा लगा कर आएँगे वो आपका पैसा निकल जाएगा। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, वैसे बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर एक बात आती है कि भाई जो ये सब जो नियम बन गया है तो क्या हाउस ड्राइवर या हाउस मेड या हाउस बॉय ये सब फॉलो करेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर बताएंगे। जो निज़ाम बन गया है, जो रेगुलर काम कर रहा है, तो अब कैसा मना करेगा? अगर फ़ोन आता है तो वो नाम बाबा, नाम मामा, यस सर, मतलब कि हाँ मैं जा रहा हूँ काम पर, तो कैसा मना करेगा? जैसा है वैसा ही चलता रहता है। फिर भी हुकूमत ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। जो ड्राइवर भाई हमारे देख रहे हैं या हाउस बॉय हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग दिल से बताइएगा कि आप लोग कितना फॉलो करेंगे इस नियम को, और कितना जो है अपने कपिल को बोल सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, इस वक्त जो है 10 घंटे का टाइम है, मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए, कितने ड्राइवर लोग बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि भाई देखिए यहाँ पर कैसा है, जो निज़ाम बन गया है, जो जिस घर में आप रह रहे हो, हमारा भी मजबूरी है कि हमारे पीछे खाने वाले 4 रहते हैं, तो हमारी भी मजबूरी रहती है, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि चलो यार जैसा कट रहा है वैसे ही काट लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो ये सब इंसान समझ कर जो है अपना गुजार लेता है दिन। तो फिर हाल जो है ये बहुत अच्छी हुकूमत की फैसला है, बहुत अच्छा रूल रेगुलेशन बना दिया है, इससे हम ड्राइवर लोग और जो है घरेलू वर्कर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था, सोचा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। सत श्री अकाल।